यो चाहिँ म हेर्दैछु हो, मलाई इकर दिएको छ, चलाउनु दिएको छ हो, मलाई मेरो माथि सबै कुरो छ। हजुर हजुर, यहाँ दैनिक कतिजना आउँछ, कति मान्छे आउँछ यहाँनिर? मान्छे हेरी हेरी आउँछ, कहिले दुई रुम हुन्छ सर, कहिले तिन रुम हुन्छ, कहिले चार रुम हुन्छ, हेरी हेरी अहिले, कहिले पाँच रुम पनि हुन्छ, हेरी हेरी हुन्छ सर। हजुर, होमस्टे नै हो सर? हजुर होमस्टे नै, बिजनेस पर्पज। हजुर, मुनि मुनिची घर छ, मुनिची मुनि तलामा घर छ। होइन, यो जुन चाहिँ गर्नुहुँदैछ होमस्टे चलाउनु चाहिँ बिजनेस पर्पज नै हो यो होमस्टे। हजुर सर, यो हजुर हजुर हजुर, तर यहाँ बिजनेस गर्नुहुँदैछ? यहाँ हाम्रो घरको के व्यवस्था छ यहाँ? गेस्ट आउँछ, गेस्ट गाडी लिएर आउँछ नि त तपाईँको, अब यो जुन भिला रहेको छ, भिलामा मान्छे जुन ग्यारेजमा आउँछ, यहाँनिर आफ्नो गाडीहरू राख्छ नि त। हजुर, त्यसको के व्यवस्था छ? त्यसको व्यवस्था चाहिँ यहाँ सर हामी राख्दै थियो हो, हाम्रो चाहिँ यहाँनिर क्यामरा छ दुइटा, यता चाहिँ हाम्रो क्यामरा छ, उहाँहरूले चाहिँ उता राखिदिएको छ हो, उता राखिदिएको छ, मलाई भनेको पनि छैन हो। उसको बाद उहाँहरूले चाहिँ 10 बजे कि 10:30 बजेको बिचमा बाहिर गएको छ, कुन चाहिँ रेस्टुरेन्टमा खाना साना खाएर हो। एक हजुर, राति 11 हाम्रो खाने व्यवस्था छैन सर हो, 11:30 बजे हो, उहाँहरू खाएर आयो, अलिकति ड्रिङ्क पनि गरेको थियो हो, उसको बादमा गाडी उता राख्यो, राखेर रुममा गयो, ड्रिङ्क गरे, तपाईँसँग अभद्र व्यवहार गर्यो? गरेको छैन सर। ड्रिङ्कको कुरा हजुर, ड्रिङ्कको कुरा कसरी आयो? ड्रिङ्कको चाहिँ उहाँहरूले अलिक हल्लाचिल्ला गाडीमा गएको थियो हो, खानाहरू मागेको थियो, खानाहरू दियो हो, यति उसको बादमा बिहानै हेर्दैछ कि हाम्रो गाडी छैन, मैले त यता हेऱ्यो हो, उता चाहिँ हाम्रो छैन क्यामरा, उसको बादमा मलाई भन्यो हाम्रो गाडी छैन, मैले भने गाडी छैन, त्यो यहाँ जुन होमस्टे चलाउनु हुँदैछ त्यहाँनिर चाहिँ ग्यारेजको व्यवस्था छैन? ग्यारेजको चाहिँ ग्यारेजको चाहिँ सर हाम्रो ग्यारेज चाहिँ यही हो सर, हाम्रो यहाँनिर यति बनाएको छ हो, यता छ तपाईँ क्यामरा लिएर। हजुर, यो त सर यो सरकारी हाम्रो अब अगाडि पर्छ त हाम्रो यो हो, हामीले हजुर ग्यारेज यतै गाडी राख्छ, अहिलेसम्म के भएको छैन सर यत्रो दिनमा हो, तर उता राखिदिएको छ उहाँ गाडी, त्यही भनेर यी भएको छ हो। तपाईँको यहाँनिर सेक्युरिटी के छ, सेक्युरिटी गार्डहरू के छ? सेक्युरिटी गार्ड मै हो सर, मै म्यानेजमेन्ट हेर्दैछु हो, बेसी त त्यति चल्दैन हो, तर मै सबै म्यानेज गर्दैछु। सेक्युरिटी गार्ड भए त सायद यहाँनिर गाडी त त्यसरी नहराउनु पर्ने थियो। हजुर सर, त्यो उतापट्टि राखिदिएको छ, उता उतापट्टि चाहिँ हाम्रो त त्यति के पनि होइन, तपाईँको एउटा एरियाको बाहिर त थिएन नि त। हजुर, त्यो उता चाहिँ क्यामेरा गएन होइन, हजुर तपाईँको होमस्टेबाट हजुर यहाँबाट टाढो त थिएन होला नि त? टाढो थिएन। कतिको डिस्टेन्समा राखेको थियो यो चाहिँ तपाईँको? कति भनौँ सर, उहाँ हो उतादेखि यहाँनिर तपाईँको कति कति डिस्टेन्स लाग्छ? आधी घन्टा लाग्दैन सर, तपाईँको 20 मिनट पनि लाग्दैन, त्यति यही हो, यही हो। तपाईँले भन्नुहुन्छ टाढो राखेको छ, फेरि हजुर नजिकै राखेको छ, तर त्यो हाम्रो क्यामेरा जान्दैन सर, उता राखेपछि अब कतिजना बाहिरको मान्छे पनि राखेर जान्छ हो, उता बाहिरको पनि मान्छे राखेर जान्छ, यता पनि बाहिरको मान्छे राखेर जान्छ हो, कुनै कसको गाडी आउँछ जान्छ हो, त्यति चाहिँ हाम्रो पार्टीको मात्रै गाडी हेर्दैछु म, तर अब उहाँले उता राखिदिएको छ हो, मलाई त्यति यो पनि याद पनि भएन। आपका नाम बताइए? महफूज अहमद, यहीं रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। ये एक जो है सरकारी आवासन भी है, ये एसजेडीए का प्रॉपर्टी है ये, और यहाँ ज़्यादातर लोग रेसिडेंशियल ही है, और कुछ गवर्नमेंट ऑफिस भी हैं यहाँ पे, पासपोर्ट ऑफिस यहीं पे भी यहाँ पे है, सामने पहाड़िया भवन है, इनकम टैक्स और सेल टैक्स रेसिडेंस भी है। इतने सारे विभाग हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी की कमी है? यहाँ सिक्योरिटी की बहुत कमी है, यहाँ अगर पर्सनल अपना सिक्योरिटी रखा कोई तो वही सिक्योरिटी है, एसजेडीए की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं है, गेट पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, इनकम टैक्स का जो इनकम टैक्स और सेल टैक्स का उसका अपना सिक्योरिटी है, जो अपना दो सोसाइटी है यहाँ पे, वो सोसाइटी का अपना सिक्योरिटी है, और यहाँ ऐसा कोई मतलब मान लेते हैं ये रिहायशी एरिया है और हिमाचल बिहार जो एक नाम किया हुआ जगह है जी, सबके अपने अपने सिक्योरिटी हैं, आप कोई अगर संस्था चलाते हो या कोई व्यापार करते हो तो इसकी जो है सिक्योरिटी आपको रखनी चाहिए थी। बेशक रखनी चाहिए, ये तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है कि आज सुन रहे हैं कि हिमाचल बिहार से गाड़ी चोरी हो गई, ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंट है, ये जिम्मेदारी दोनों की बनती है,
जो गाड़ी लाया उसको भी मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, और मैनेजमेंट को पूछना चाहिए कि सर आप कहाँ हैं, आपकी गाड़ी कहाँ है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। ये गलती दोनों की है। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से तो अतिथि देवो भव, जो अतिथि आते हैं उनका सत्कार, बिल्कुल सत्कार करना है जो रीति रिवाज में, भारतीय रीति रिवाज में है। बिल्कुल। मगर जिस प्रकार से यहाँ पे गाड़ी चोरी हुई है, ये तो आपके गेस्ट थे जी, ये क्या मैसेज जाएगा लोगों के बीच? ये बहुत ही गलत मैसेज जाएगा, और हिमाचल विहार का नाम बहुत ज्यादा खराब हुआ है अगर ये हुआ है। अभी बीच में इतनी अच्छी सोसाइटी है उत्तरायण में भी, वहाँ तो बहुत सारी सिक्योरिटीज है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी सिक्योरिटी है, वहाँ से भी गाड़ी चोरी हुई है, तो अब इसको क्या बोला जाएगा? बोल लीजिए, ये तो इंसिडेंट ही है। क्या कहना चाहेंगे? अब जो हुआ बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम मैनेजमेंट को भी बोलेंगे कि जो हुआ वो तो हुआ, अब उसका भरपाई कैसा होगा, मैनेजमेंट को अपने से फिर से एक अच्छी सिक्योरिटी रखना चाहिए कि अगर उनका कोई गेस्ट आता है उसकी गाड़ी का देखभाल, गेस्ट का देखभाल वो खुद करेंगे। साथ ही जो है यहाँ के जो हिमाचल बिहार में क्या प्रभाव पड़ेगी इससे? बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, आदमी तो डर डर के, सोसाइटी वाले भी गाड़ी अपनी बाहर रखते हैं, कहीं उनको अपना भी गाड़ी का सिक्योरिटी देखना पड़ेगा कि आज गाड़ी चोरी हो गई, और गाड़ी सारी गाड़ी तो ऑटोमेटिक लॉक है, गाड़ी तोड़ा कैसे, क्या किया, कैसे करके लेके गया है, तो और इनसे भी कहा जाएगा कि डायरेक्ट जितने कैमराज हैं जिनकी इतनी गाड़ी है, उनकी गाड़ियों पे कैमरा होना चाहिए ताकि अगर कोई लेके जाए भी तो एक ट्रेस हो सके कि गाड़ी में जीपीएस वीपीएस नहीं था ना। सबसे बड़ी बात है कि इनके जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो अलग अलग जगहों पे लगाया गया है, लेकिन जहां से गाड़ी सीसीटीवी कैमरा तो लगाया है, लेकिन बट प्रॉपर सेटिंग नहीं है, बोथ वे में होना चाहिए कि अगर ये गाड़ी है तो बोथ वे में होना चाहिए कि अगर इधर कोई लेके जाए या इधर कोई लेके जाए, दोनों दिखना चाहिए। इसको क्या कहेंगे जो मिस मैनेजमेंट माने गलतियां है, बेशक गलतियां है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यो हो SG News।